नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं पति पत्नी को, लड़की का नाम है काजल शर्मा और लड़के का नाम है आशु शर्मा, तस्वीरों में देख सकते हैं। और बता दें तो कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में इन दोनों का शव यहां पहुंचा है। लेकिन बता दें तो पति जो है वो अपनी पत्नी को खुद लेकर आया था पानीपत से यहां इलाज के लिए। और बता दें तो पत्नी जो थी वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो कि सिविल अस्पताल पानीपत से यहां रेफर किया गया था। लेकिन रात को देर रात पत्नी की मौत हो जाती है और बताया जा रहा है कि उसके गम में पति ने सुसाइड कर लिया। हालांकि कहीं इसके अंदर जरूर कोई ना कोई और कहानी भी जरूर बताई जा रही है कि कहीं उसे पति को किसी ने शायद उकसाया और उसके बाद जाकर उसने किया। लेकिन अभी इस बात का तथ्य जो है वो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अभी फिलहाल जरूर यहां पर देख सकते हैं जो लड़के के चाचा है वो तस्वीरों में है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और मेरा मणिलाल शर्मा? क्या हुआ? मेरा मणिलाल शर्मा नाम है जी। हम गया जिला से, बिहार से रहने वाले हैं। हमने आज के 3-4 दिन पहले पानीपत सिविल अस्पताल में उसको हम भर्ती किए थे, तो उनको डिलीवरी तो वहीं हो गया था। उनका जो ब्लड है ब्लड बंद नहीं हो पाया, अच्छा, तो फिर वो क्या उनसे संभल नहीं पाया, तो उसने क्या किया कि यहाँ रेफर कर दिए। यहाँ रेफर किए तो यहाँ आते ही पानीपत इस चावला हॉस्पिटल में इनको वेंटिलेटर पे डाल दिए। तो 3-4 दिन में इनका फिर भी ब्लड बंद नहीं हुआ, लेकिन कल से इनका ब्लड बंद हो गया था। और उसके बाद फिर ब्लड बंद हुआ उसका, फिर रात 2:15 बजे इनका अपने आप मतलब खत्म हो गए। अच्छा। उसमें फिर क्या हुआ कि आशु ने उसको निशा रह गया। हाँ। उसने फिर क्या किया, 6ठी मंजिल से जाके नीचे कूद करके अपना वो जान दे दिया। 6ठी मंजिल से? हाँ जी, हाँ 6ठी 8ठी जो भी हो जी। अच्छा, ये यही बिल्डिंग से रात? हाँ हाँ जी। कितने बजे की घटना है ये? 2:15 बजे की है जी। 2:15 बजे? हाँ जी हाँ जी। तो ये पति बता रहे हैं, क्या नाम था पति का? आशु शर्मा। आशु शर्मा, तो ये क्या हुआ? कुछ रात को भी हमारी टीम पहुंची थी और कुछ यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा था, जो बहन है जो आशु की, उसने कहा कि उसे उकसाया गया, उससे फोन पर बात की गई, उसे जो उसकी साली है उसके द्वारा कहा गया कि अगर प्यार करते हो अपनी पत्नी से तो जंप करके दिखाओ यहाँ से। ऐसी बात अभी जो है, ऐसी किसी ने बताई? सर था ऐसी बात था, लेकिन हम उस चीज को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर अपना घर अब एक है, उनका भी एक परिवार चला गया, मेरा भी चला गया। मेरा तो ज्यादा ही परिवार घर ही उजर गया मेरा तो जी। जी, जी जी तो हम इस चीज को अब करना नहीं कुछ चाहते हैं, क्या फायदा है सबसे। हम दोनों मिल के ही रहने में हमें वो है, इससे हम बोलना नहीं अब चाहते दोनों की। क्या लव मैरिज हुई थी दोनों? हाँ जी, अगस्त में हुआ था, आज से 6 महीना पहले हुआ था। 6 महीने पहले ही? हाँ हाँ जी, अगस्त में हुआ था शादी जी। अच्छा अच्छा, अगस्त में शादी हुई? हाँ जी हाँ जी, लव मैरिज किए थे 15 अगस्त को। यहाँ पर देख सकते हैं उनके परिवार के अन्य भी लोग हैं, आप क्या लगते हैं उनकी? मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी, अमन शर्मा। अच्छा, आप आशु के बड़े भाई हैं? जी जी। तो ये मेरे सामने घटना हुई जी, मेरे भाई को ऐसे लगे आपके सामने उसको पकड़ने के चक्कर में, ये आपने उसे बचाने की कोशिश की जब, तो वो क्या मतलब भाग रहा था आपसे बच के, या क्या कि नहीं मुझे बचाया ना जाए कोई, ऐसा या क्या हुआ? आपने बचाने की कोशिश की थी उसे? एक्चुअली वो जब सुना कि उसकी वाइफ ने, वो भाग के छत पे चढ़ गया जी। अच्छा, छत पे चढ़ने लग गया, हम भी उसके पीछे पीछे रोकने के लिए चढ़े। हमें पता लगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके पीछे पीछे हम गए जी। उसको पैर में भी पकड़ा जी, लेकिन इतना वो था, हैवी था बेचारा, मेरे से लगता ही नहीं कि वो छोटा भाई है, इतना हैवी था। एक तो वो कूद गया ऐसा कि उसके बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ है, अब क्या बताऊं सर। तो आपकी आंखों के सामने वो दौड़ना शुरू कर दिया था उसको? मेरे सामने दौड़ने के सामने जैसे दौड़ा, हम भी पीछे पीछे दौड़े सर। 8वीं दूसरी मंजिल पे थे, 8वीं मंजिल पे वो चढ़ गए जी। तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि मतलब वो सुसाइड के लिए जा रहे हैं? क्या उसने कुछ बोला था उस समय? नहीं नहीं, एक्चुअली हमें ऐसा कुछ नहीं था कि सुसाइड करे, वो जिस तरह से सुना ना कि खत्म हो गई, वो भाग के दौड़ के गया जी। अच्छा, दौड़ के बाद हाँ, हमने लगा कि अब कुछ कर लेगा। हमें सकते पहले ही सोचता थी थोड़ा बहुत कि इसको कुछ जो कुछ नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा। तो जैसे ही भागा ना जी, वैसे हम पकड़ ली कोशिश कर रहे, हम 3-4 लोग भागे, 2-3 वहाँ के पेशेंट थे, 2-3 मेरे घर के थे, जैसे मेरे हाथ में पैर आया वो कूद के जान दे दीजिए। तो जब आपने देखा उनकी मौत मौके पे होगी थी? जैसे हम लोग नीचे उतरे तो वहां से हॉस्पिटल ले गए अंदर जी, उठाते उठाते मेरा भाई फिर हाथ में दम तोड़। देखिए आप इनके कपड़े आदि देख सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए, इन्हें बचाने का प्रयास करते हुए इनके कपड़े भी फट गए थे। ये उनके बड़े भाई हैं, ये जो आशु है उसके बड़े भाई हैं, और आप समझ सकते हैं इन्होंने बचाने का प्रयास भी किया उसे। जब पति को यह पता चला कि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, तो बता रहे हैं कि पति से ये बात सुनी ना गई और सुनते ही वो दौड़ पड़ा, जिसके बाद ये पीछे दौड़े तो उसने छत से कूदने का जब प्रयास किया तब इन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि उनका
काफी ज्यादा वजन था इनसे ज्यादा और गठीले थे, तो वो नीचे की ओर जो भाई है वो गिर जाता है, उसे बचा नहीं पाता भाई, बड़ा भाई। और अभी बता दें तो शव यहीं पर मर्चरी हाउस में उनका भी लाया गया है। ये बड़ी ही दर्दनाक कहानी है क्योंकि पति भी साथ आया हुआ था पत्नी को लेकर। तो डिलीवरी हो गई थी पानीपत के अंदर, शनिवार को डिलीवरी हो गई थी जी, बच्चा हो गया था। बच्चा सही था, 10 मिनट तक हमारे गोद में भी खेला जी बच्चे ने, बच्चा गोद में भी खेला 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद वो भी चली गई हमारी लक्ष्मी। अच्छा, वो भी लक्ष्मी चली गई थी जी, उसके बाद इसकी हालत ब्लड रुक नहीं रहता, फिर लेके आए। बच्चा है उसकी भी मौत हो चुकी। हाँ जी, मौत होने के बाद कार्रवाई करके यहाँ पे रात को, दिन में ऐसा हुआ रात को यहाँ भर दिया जी। बिहार के रहने वाले हैं आप? बिहार के गया जिला के रहने वाले। पानीपत 20-25 साल हो गए रहते हैं? हाँ, रहते हुए हमें 20-25 में ही 45 भी यही किए जी। आप परिवार को इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें तो जो काजल है वो पानीपत के अंदर उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, उसके बाद बता रहे हैं 3-4 दिन पहले दाखिल करवाया, फिर उसकी प्री डिलीवरी हुई, यानी कि 6 महीने का जो बच्चा था उस दौरान उसे पेन होता है, लेकिन वहाँ डिलीवरी होती है तो बच्चा 10 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाता। उसके बाद माँ को ये भी दुख लगा और साथ साथ बता दें ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो करनाल कल्पना चावला आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये अस्पताल है कल्पना चावला का, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पति भी आता है लेकिन पत्नी दम तोड़ देती है और उसके बाद पति भी छत से कूद कर जान दे देता है। ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक कहानी है और समझ सकते हैं कि पति ये बात नहीं सह पाया कि उसकी पत्नी जो है वो इस तरीके से उसे छोड़ के चली गई। हालांकि बीच दरमियान काफी सारी बातें ये भी आई कि उसे उकसाया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी बात फोन पर की जरूर गई थी, लेकिन इनकी तरफ से जब दोनों ही परिवार खत्म हो चुके हैं इस तरीके से, तो इनकी तरफ से ना तो ये कोई ऐसी पूछताछ या ऐसी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी शव जो है वो कल्पना चावला के मर्चरी हाउस के अंदर पहुंचा हुआ है। इस समय तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो ये कल्पना चावला का मर्चरी हाउस है और रोज यहाँ पर लगातार जो शव है वो ऐसे ही पहुंचते हैं। लेकिन इस कहानी में आप समझ सकते हैं कि एक पति जो है उसने अपनी पत्नी को तो खो दिया, लेकिन बाद में उसने सुसाइड जो है वो छत से कर लिया। लेकिन अभी इस पर आगे क्या कुछ होता है, परिवार किस तरीके से अगर कोई कार्रवाई चाहता है या नहीं चाहता है, ये परिवार के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये बातें अभी सूत्रों के हवाले से रात को आईबीएन की टीम भी पहुंची थी, तब जाकर जो है ये बात सामने आई कि उसे उकसाया गया था। लेकिन अभी ये बात कितनी सत्य है कितनी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन अगर परिवार करवाना चाहेगा तो ही पता चल पाएगा। लेकिन दो परिवार किस तरीके से खत्म हो गए एक तरीके से, क्योंकि जो लड़का था आशु वो उसने भी अपनी जान दे दी, पत्नी को साथ लेकर आया हुआ था पानीपत से उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन जो पत्नी है वो उसकी मौत की खबर सुनकर वो सह ना पाया और उसने छत से कूदकर जान दे दी। हालांकि वो किस पॉइंट से उसने जान दी ये भी हम जरूर एक बार देखने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस पॉइंट पर जाकर उसने इस तरीके से जो है अपनी जान दे दी। जरूर हम एक बार वहां पर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पति जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करता था अपनी पत्नी से और उसने अपनी पत्नी के जाने के गम में ही जो है यहाँ पर सुसाइड की बात सामने आई है। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, मैं आपको एक बार दोनों की तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस समय आप तस्वीर देख पा रहे हैं काजल की और उसके पति आशु की, जो दोनों ही बता दें तो इस समय इस दुनिया के अंदर नहीं है। पहले बेटी की मौत हुई और उसके बाद आपको बता दें तो माँ की मौत हुई अस्पताल में, उसके गम में जो है उसके पति ने जो है अपनी जान दे दी। तो वाकई में ही बहुत ही दर्दनाक जो है ये घटना हुई है और कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार जो हैं इससे खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों बता दें आपको, हमने तस्वीर दिखाने का प्रयास किया काजल का और उसके पति की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया और बता दें तो दोनों ही समय इस दुनिया में नहीं है। पहले बच्ची गई, उसके बाद उसकी जो है माँ उनकी मौत हुई और उसी के गम में बता रहे हैं उसके पति ने जो है अपनी जान दे दी। अभी फिलहाल परिवार आगे क्या चाहता है ये फिलहाल दोनों परिवार ही तय करेंगे, या फिर इसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई होनी होगी तो वो भी आगे जाके ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।